गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं 10th क्लास की साइंस फिजिक्स में से फर्स्ट टॉपिक रिफ्लेक्शन, लाइट रिफ्लेक्शन एंड इट्स रिफ्रैक्शन, ये तीन पार्ट से हैं। फर्स्ट पार्ट में है व्हाट इज अ लाइट, सेकंड पार्ट में है व्हाट इज अ रिफ्लेक्शन एंड थर्ड पार्ट में हमारे पास होगा रिफ्रैक्शन। तो हम पहला पार्ट शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हमारे पास है लाइट। अब लाइट क्या है? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल अस टू सी थिंग्स आर टू सी द ऑब्जेक्ट। फिर आता है डिफाइन रिफ्लेक्शन, व्हेन द लाइट इज अलाउड टू फॉल ऑन पॉलिश सरफेस सच एज मिरर, मोस्ट ऑफ द लाइट गेट रिफ्लेक्टेड इन द सेम मीडियम। This is also very important definition because in most of the time in the paper it occasionally comes define reflection of light and give its laws of a reflection. ये बहुत important है, इसलिए light की definition, reflection of light की definition, फिर इसके बाद जब refraction करेंगे तो refraction of light बहुत important है। अब हमारे पास आ जाता है what is a reflection, laws of reflection। अब there are basically two laws of reflection. First law में कहता है angle of incidence is always equal to the angle of reflection. Means angle का sign बना के angle I is equal to angle R, ये first law complete हो जाता है। Second law में क्या कहता है? The incident ray, the reflected ray and the normal all at the point of incidence lie in the same plane. Means all the three, the incident ray, the reflected ray and the normal at the point of incidence lie in the same plane. ये हमारे पास two laws हैं जो बहुत important है। ये question इस shape में आता है, define light पूछ लेता है, define reflection पूछ लेता है और उसके साथ laws of reflection। ये diagram बनानी बहुत important है। mirror को हम नीचे shade कर देते हैं थोड़े portions को, that is shows as a mirror, फिर point of incidence, यहाँ normal उसके ऊपर 90 degree का angle बना लेते हैं, incident ray में जो light आ रही है और इस point पे वो strike करती है और इसके बाद इसी medium में वापस reflect हो जाती है, this shows our incident ray, normal, refracted ray. Angle between incident and normal is angle of incidence, angle between reflected ray and normal is angle of रिफ्लेक्शन। फिर हमारे पास है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय द स्फेरिकल मिरर्स। अब बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। मिरर में क्या है? वेयर द रिफ्लेक्टिंग आर कर्व्ड इनवर्ड और आउटवर्ड। जैसे स्पून है, ये हमारे पास दोनों है, इनवर्ड भी है आउटवर्ड भी है। तो स्पून इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द स्फेरिकल मिरर। अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर इनवर्ड है तो ये क्या हो जाएगा? इसको आप दूसरा नाम कन्वर्जिंग मिरर भी है या इसको कनकेव मिरर कहेंगे। अगर ये आउटवर्ड है और ये आपके पास दूसरा इसका नाम आ जाएगा कन्वेक्स मिरर और दूसरी तरह से डाइवर्जिंग मिरर। इसी तरह से डिफरेंस लिखना हो तो तब भी हम इसको इनवर्ड और आउटवर्ड एक पॉइंट लिख सकते हैं, कन्वर्जिंग मिरर डाइवर्जिंग मिरर दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं। फिर हमारे पास है, इससे थोड़ा सा हटके अगर हम बात करें तो हमारे पास आ जाएगा बेसिक डेफिनेशंस। इसमें व्हाट इज द प्रिंसिपल एक्सिस, व्हाट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, व्हाट फॉर कनकेव मिरर एज वेल एज फॉर द कन्वेक्स मिरर। यहां से हटते ही हम लोग इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन जो हमने पीछे डायग्राम में देखी, प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या है? लाइन जॉइनिंग द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर पोल क्या है? द ज्योमेट्रिकल सेंट्रल पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग स्फेरिकल सरफेस अपरेचर डिनोटेड बाई डी डिनोटेड बाई पी। अपरेचर क्या है? विड्थ ऑफ द रिफ्लेक्टिंग स्फेरिकल सरफेस। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? The reflecting surface of the spherical mirror of which mirror form a sphere, it has a center which is known as center of
कर्वेचर, इट इज डिनोट तो हम लोग इसमें डेफिनेशन कर रहे थे प्रिंसिपल एक्सिस मीन जो लाइन ज्वाइन करती है स्फेरिकल मिरर के सेंटर को और सेंटर ऑफ कर्वेचर को। फिर पोल क्या है, जो रिफ्लेक्टिंग स्फेरिकल सरफेस है उसका सेंटर मीन्स अपरेचर के हिसाब से, तो इसको डिनोट करते हैं पी से। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर ऑफ विच इट फॉर्म्स अ स्फीयर, इट हैज अ सेंटर विच इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेपरेशन बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज डिनोटेड बाई आर, दैट इज पी सी इज इक्वल टू आर। फोकस पॉइंट क्या है, द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल नॉन पैरेलल रेज मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन, इट इज डिनोटेड बाई एफ, फोकल लेंथ। द लेंथ बिटवीन द पोल एंड द फोकस पॉइंट इज नोन एज एफ, दैट इज पी एफ इज इक्वल टू एफ। रिलेशन क्या है, जो फोकल लेंथ है वो किसके बराबर है, आर अपॉन टू। इमेज ऑफ द स्फेरिकल मिरर, बिफोर वी लर्न द फॉर्मेशन ऑफ इमेज ए रे डायग्राम लेट अस गो थ्रू फ्यू टिप्स। रिमेंबर ए रे से ए लाइट विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑलवेज पास थ्रू फोकस आर वाइस वर्सा। इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, ये हमने बनाया कि जो रेज पैरेलल आ रही है वो रिफ्लेक्ट होके फोकस से पास करेगी और जो फोकस से जा रही है वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी, चाहे ये कनकेव मिरर हो कन्वेक्स मिरर हो, दोनों केस के लिए सेम है। फिर इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, तो ये हमने एक डायग्राम बनाई कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर लाइट आ रही है, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये क्या हो जाएगी, अपीयर टू बी पास थ्रू है फोकस। बी पार्ट में अगर हम देखें तो रे ऑफ लाइट विच पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नोन एज द नॉर्मल एंड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑन स्फेरिकल मिरर विद रिट्रेस देयर पाथ। इसी तरह से रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द पोल गेट रिफ्लेक्टेड एट द एंगल ऑफ सेम एंगल टू द अदर साइड ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस। फिर हमारे पास है ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू ए सेंटर ऑफ कर्वेचर रिफ्लेक्टिंग स्फेरिकल सरफेस इज ऑलवेज नॉर्मल, तो ये हमारे पास हो जाएगा। अब आप अगर डायग्राम के हिसाब से देखोगे तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट में क्या है कि अगर हम मिरर ले लें कंकेव तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी के ऊपर होगा, तो इमेज कहाँ बनेगी, एट फोकस। नेचर ऑफ इमेज रियल इन्वर्टेड होगा, साइज उसका क्या होगा, वेरी डायमिनिस्ट। अगर इसको थोड़ा पास ले आएंगे बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर तो इमेज भी बिटवीन फोकस से हटके सी की तरफ डेवलप हो जाएगी, और यहाँ पे पोजिशन ऑफ इमेज बिटवीन एफ एंड सी आ जाएगा। नेचर ऑफ इमेज क्या है, रियल और इन्वर्टेड ही रहेगी, साइज क्या होगा, स्मॉल। ऑब्जेक्ट एट सी के हिसाब से बात करें, ये ऐसा पॉइंट है जहां पे सेम साइज की इमेज बनती है, मींस सी के ऊपर ऑब्जेक्ट होता है, सी के ऊपर ही इमेज होती है, रियल और इन्वर्टेड होती है, साइज इसका क्या है, यूकल। फिर इसके बाद फोर्थ में आता है, जब ऑब्जेक्ट हम बिटवीन सी एंड एफ ले आते हैं तो इमेज बियॉन्ड सी हो जाएगी, रियल रहेगी लेकिन थोड़ी इनलार्ज हो जाएगी। फोर्थ में जब फोकस के ऊपर ले आएंगे तो पोजिशन ऑफ इमेज इन्फिनिटी के ऊपर चली जाएगी, इसको बिल्कुल उल्टा, नेचर रियल इन्वर्टेड होगी, साइज बहुत सा इनलार्ज हो जाएगा। इसमें लास्ट है, जब हम पोल और फोकस के बीच लाते हैं तो ये बहुत वर्चुअली मिलती है, और इस केस में इमेज स्ट्रेट रहेगी, इरेक्ट रहेगी, साइज बहुत इनलार्ज होगा लेकिन होगी कैसे, वर्चुअल और इरेक्ट। फिर हम लोग करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर, तो कन्वेक्स मिरर में क्या है, जब इन्फिनिटी के ऊपर होगा तो इसने फोकस के ऊपर ही मिलना है, लेकिन ये डाइवर्ज होकर बाहर को चलेगा, जब बैक साइड हम प्रोड्यूस करेंगे तो इट अपीयर्स टू मीट एट द फोकस।
तो यहाँ पे पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा, फोकस, और साइज कैसा होगा, हाईली डैमेज्ड, नेचर क्या होगी, वर्क। यहाँ पे जैसे इमेज बनेगी ये वर्चुअल और अरेक्ट इमेज होगी। नॉर्मली इसमें जो कन्वेक्स मिरर में है दोनों इमेज वर्चुअल और अरेक्ट बनेंगी। अगर इससे केस हट के ले लें, इमेज एनीवेयर एनीवेयर बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल के बनाए तो वही होगा, पोजीशन फोकस के ऊपर ही होगी, वर्चुअल इमेज बनेगी, अरेक्ट होगी, वेरी स्मॉल होगी। अब यूजेस की बात करें तो ये जो कंकेव मिरर है इट इज यूज्ड इन टॉर्चेस, सर्च लाइट्स, हेडलाइट्स ऑफ द व्हीकल, यूज्ड टू सी लार्ज इमेज ऑफ द फेस सच एज शेविंग मिरर, यूज्ड बाय द डेंटिस्ट टू सी लार्ज इमेज ऑफ द टीथ। फिर लार्ज कंकेव मिरर यूज्ड टू फोकस द सनलाइट इन द सोलर फर्नेसेस। कंकेव मिरर का यूज क्या है, एज ए रियर व्यू मिरर ऑफ द व्हीकल्स, इट गिव्स अरेक्ट इमेज, इट आल्सो हेल्प्स द ड्राइवर टू सी द लार्जर व्यू। साइन कन्वेक्शन की बात करें अगर मिरर के हिसाब से, साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ स्फेरिकल मिरर, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड टू द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। दूसरा क्या है, डिस्टेंस शुड बी मेजर फ्रॉम पोल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, टेक पी एज द ओरिजिन, डिस्टेंस मेजर, राइट ऑफ द ओरिजिन एक्स एक्सिस आर टेकन पॉजिटिव, लेफ्ट टू द ओरिजिन माइनस एक्स एक्सिस आर टेकन नेगेटिव, perpendicular to and above the principal axis that is y axis are taken as positive, perpendicular to below the principal axis minus y axis taken as negative. Thank you to all dear students, please note it and write it on your fair notebook so that you can prepare for your exams also.